हरे कृष्ण। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की आलादनी शक्ति हैं। श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम सर्वशक्तिमान हैं, तो राधा रानी ही उनकी वो शक्ति हैं। उनके इसी गुण को दर्शाती एक मधुर लीला आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। बात उस समय की है जब गोकुल में कुछ गोप नंद महाराज से इस बात पर नाराज हुए कि कब आए थे गर्ग मुनि आपके कृष्ण का नामकरण करने, और ये सब भविष्यवाणियां भी कि कन्हैया गोवर्धन पर्वत को भी उठा लेगा। आप कहते हैं कि हम सब आपके मित्र हैं, आपकी बिरादरी के हैं, आपके गोप हैं, आपके सखा हैं। आप हमें दोस्ती के नित नए नए पाठ पढ़ाते हो, और इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई कि गर्ग मुनि ने यहां आकर कृष्ण का नामकरण किया था। इस प्रकार सब कहने लगे कि ये तो बहुत गलत है, नंद बाबा को अपनी बिरादरी से बाहर कर दो, इन्हें बिरादरी से निकाल दो, इन्होंने हमारा और हमारी दोस्ती का अपमान किया है। तो श्रीमती राधा रानी के पिता वृषभानु महाराज कहते हैं, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उस समय पर कंस का भय था, और अगर वो वहीं पर खुले में सारा उत्सव और संस्कार करते तो कंस उस समय उनका अशुभ कर सकता था। इसीलिए वसुदेव के कहने पर गर्ग मुनि के साथ योजना बनाकर गौशाला में नामकरण किया गया था। वहीं उनका भविष्य कथन भी हुआ था, और वहीं पर कुंडली भी देखी गई थी। इसलिए इसमें गुस्सा करने की कोई बात नहीं है। परंतु उस समय वे गोपजन इतने गुस्से में थे कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे कहने लगे, वृषभानु, तुम नंद का पक्ष लेते हो, इसको भी बिरादरी से बाहर कर दो। यह सुनते ही कुछ ग्वाल बाल तुरंत खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे ऐसा मत बोलना, ये उसी महाप्रतापी श्रीजी के पिताजी हैं। सुनना चाहते हो उनका महाप्रताप क्या है? तो अन्य ग्वाल बालों के कहने पर वे ये कथा सुनाते हैं, जो इस प्रकार है कि गोकुल में रोज ही कंस के द्वारा एक न एक राक्षस भेजा जाता था, ये तो आप सभी जानते हो ना। सब कहते हैं हाँ हाँ जानते हैं। तो वो जो महाप्रतापी चक्रवर्ती राजा कंस है ना, वो बरसाने भी आया था, घोड़े पर सवार होकर देखने आया था कि जिन राक्षसों को उसने भेजा था वो अभी तक वापस क्यों नहीं आए कोई समाचार लेकर, क्योंकि वे महाराज कंस के बहुत विश्वास पात्र थे, विश्वसनीय थे, बहुत विशालकाय थे, शक्तिशाली थे। तो महाराज कंस स्वयं उन्हीं को ढूंढते हुए वहां आए थे। परंतु जैसे ही उन्होंने बरसाना में कदम रखा, जैसे ही वो बरसाने में आए, तो हमारे श्री जी ने तो चमत्कार कर दिया। कैसे? उनके जो घोड़े थे वो घोड़ियां बन गई, और कंस पुरुष कंसिनी बन गया। कंस एक चक्रवर्ती सम्राट था, उसने पूतना, अघासुर, बकासुर, शक्टासुर, तृणावृत जैसे भयंकर राक्षसों को युद्ध में परास्त करके अपने वश में कर लिया था। वो सभी कंस को टैक्स दिया करते थे, इतना शक्तिशाली था कंस। ऐसा भयंकर कंस बड़े अभिमान के साथ रथ में बैठकर बरसाना आया, और वो कंसिनी बन गया। ऐसी अवस्था में वह न तो लौट कर मथुरा जा सकता है कि क्या कहेंगे लोग, अरे हमारे महाराज कंस तो कंसिनी बन गए, महाराज नहीं महारानी कंसिनी। और यह देखकर सब सखियां ताली बजाती हैं कि कंस को तो बड़ा शर्मिंदा कर दिया हमारी राधा रानी ने। तो वो कंस जो अब कंसिनी सखी बन गई है, सबसे रो रो कर प्रार्थना करती है कि हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। परंतु राधा रानी अपने घर चली जाती हैं, और अन्य सखियां कहती हैं, कुछ नहीं, आज से गाय का दूध निकालना है, गाय के गोबर को गौमूत्र में मिक्स करके उसके कंडे बनाने हैं, उन्हें पेड़ पर सुखाना है, और सूखने के बाद टोकरी में डालकर घर पहुंचाना है। एक साधारण गोपी जो काम बड़े प्रेम से करती है, वही यह रो रो कर कर रही है, बड़े दुखी होकर, अपमानित होकर, संकोच से, लज्जा से मर कर रोज कर रही है।
और रोज गोपियां ताली पीट रही हैं, और पूरे 6 महीने तक सभी सरल गोपियां जो कंस से पहले डरती थी, वो कंस को स्त्री के रूप में देखकर तालियां पीट पीट कर उससे सेवा करवा रही हैं। 6 महीने तक गोपियों ने इस कंसनी से कंडे लिपवाए, सारे काम करवाए, और जब बाद में वो कंस बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत रोया और प्रार्थना की कि कृपया कुछ करो, मैं इस प्रकार अब और नहीं रह सकता, तो गोपियों को उस पर दया आ गई और उस समय ऋषभानु महाराज का हाथ पकड़कर श्री जी अर्थात राधा जी वहां पर आई तो सखियों ने उनसे कहा कि श्री जी, यह तो बहुत पश्चाताप कर रहा है, इसको माफ कर दो। ऋषभानु महाराज भी बोलते हैं, हाँ हाँ छोड़ो, अरे जाने दो, अब ये सुधर चुका है, आगे से ये कोई आतंक नहीं करेगा। तब राधा रानी कहती हैं, वादा करोगे दोबारा नंदगांव बरसाना, इन क्षेत्रों में कदम न रखना। इस प्रकार छोटी सी बालिका राधा कंस महाराज को आदेश दे रही है कि इन क्षेत्रों में कदम न रखना, और अगर रखोगे तो इस बार तो आपको पुरुष शरीर वापस कर रही हूं, अगली बार हमेशा के लिए कंसनी बन के रहोगे। ऐसा कहकर राधा रानी कंस को एक कुंड में कूदने के लिए कहती हैं, जिसमें डुबकी लगाने पर कंसनी वापस कंस और उनकी घोड़ियां भी घोड़े बन जाते हैं, और गीली अवस्था में ही ऐसे सरपट भागते हैं कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखते कि क्या मालूम कहीं राधा रानी का विचार बदल गया तो। इस प्रकार ये वर्णन कुछ गोप कर रहे हैं कि अरे ऋषभानु महाराज को कुछ न कहना, इनकी कन्या बड़ी प्रतापी है। और यह सुनकर अन्य सभी ग्वाल बाल व वृद्ध शांत हो जाते हैं और नंद बाबा और ऋषभानु महाराज को गले लगाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। ये है ऋषभानु दुलारी श्री राधा रानी का प्रताप, जिनकी महिमा न वेद कर सके न पुराण, उन श्रीमती राधा रानी को कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण।